This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ जुनैद गोल, वेलकम टू द प्रोग्राम इन फोकस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो नई ट्रेड पॉलिसी जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने अनाउंस की है उसके बारे में बात करेंगे। जब हम ट्रेड पॉलिसी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल, विच आर इन डिजमल सिचुएशन फॉर लास्ट 2-3 ईयर्स एंड अ कॉन्स्टेंट डिक्लाइन हैज़ बीन सीन। प्लस GSP प्लस जो हमको 2014 से मिला था उसके बावजूद स्टिल इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ डिक्लाइन। प्लस वील ऑल्सो लुक एट द इकोनॉमिक सिचुएशन ओवरऑल कि हम इकोनॉमी वाइज किधर जा रहे हैं and how much is our debt burden right now, and when I say debt burden, I think the right word is a debt trap that we're in right now. That's a more appropriate word and how to use it. Now starting with the trade policy of Pakistan, isko unhone kaha hai ki 2015-18 ki ye policy hai and it has been announced 7 months late, as we all know, because prime minister sahab ye keh rahe the ki wo us pe bahut due diligence karke usko itna acha aur pakka karna cha rahe the ki bahut achi policy hai. That's why that has been the reason what has been given ki isliye 7 mein ye late aayi hai. Now us policy mein jo main feature hai, जो स्ट्राइकिंग इसका जो सबसे बात है वो ये है कि उसको $35 बिलियन पे एक्सपोर्ट्स हो जाना चाह रहे हैं इन दिस अनाउंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। नाउ दिस पॉलिसी नाउ हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2 ईयर्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज ये 2015-16 का जो फिस्कल ईयर तो ऑलमोस्ट चला गया और जो 6 बिलियन रुपए इस साल के लिए रखे गए, इस फिस्कल ईयर के लिए रखे गए थे, वो तो आई डोंट थिंक दैट इसहाक डार साहब जनाब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इस साल के लिए कुछ पैसे देंगे, जो कि सुनने में भी आ रहा है कि वो शायद बिकॉज ऑफ द डेफिसिट्स दैट आर बीइंग सीन ही विल नॉट गिव दिस 6 बिलियन रुपीज़ विच आर कैप्ट फॉर दिस पार्ट दिस ईयर जो उनको दिए जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये पॉलिसी अब रहेगी 2 साल की। सो दिस बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग नाउ कि 2 साल में आपको $11 बिलियन जो है स्पोर्ट्स बढ़ानी है, एंड वो कैसे बढ़ाई जाएंगी, उसमें क्या किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। आप चेयरमैन हैं FPCCI के, प्लस यू आर द एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल एज वेल। सर ये टेक्सटाइल पॉलिसी जो ओवरऑल ट्रेड पॉलिसी आई है, हाउ डू यू सी इट? आई मीन जो मैंने थोड़ा सा चैलेंजेस का बताया आपने, अपने प्रीएम्बल में काफ़ी सारी बातें सही कहीं जी, तो हमारा आपका फिर कंट्रोडक्शन आज कम होगा। लेकिन पहली चीज़ तो यह है कि ये 1 साल ज़ाया कर दिया। ये बजट के 1 महीने के बाद ट्रेड पॉलिसी आती है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में टारगेट्स सेट किए जाते हैं और उनको अचीव करने के लिए इंसेंटिव्स और मराद जो हैं वो ऐलान की जाती हैं, फिर बाकी पीरियड में उसको फॉलो किया जाता है और उसका क्वार्टरली 6 मंथली एनुअल रिव्यू होता है। लेकिन आपने ये देखा है कि ये इतनी अच्छी पॉलिसी बनाने के चक्कर में 1 साल लेट कर दिया उन्होंने। अब इस साल के जो इंसेंटिव्स हैं जो उन्होंने दिए हैं उसके अगेंस्ट एक्सपोर्ट 35 बिलियन का करने को 3 साल में कहा है, वो 2 साल रह गए सर, अब 2 साल रह गए हैं, तो 24 बिलियन की एक्सपोर्ट भी हमारी नहीं है। बल्कि आपको ये सुन के ताज्जुब होगा और अफसोस भी होगा कि 2014-15 में 5% एक्सपोर्ट कम हुई है, उससे पहले हमारे 25 बिलियन का हमने टारगेट हासिल किया था। फिर 2014-15 में जो है वो 5% कम हुई है और अभी तक जो 7 महीने 14% एक्सपोर्ट इन दी 7 मंथ्स ऑलरेडी। तो इस साल में जहां आप 11% बढ़ाने की 3 सालों में बात कर रहे हैं, अगर आप 4-4 बिलियन भी ले लें तो मुझे तो 4 बिलियन बढ़ने के बजाय कम होता हुआ नजर आ रहा है, 14% कम है। तो ये तो हदफ की बात है। अब आप आ जाइए कि उसके जो मराहत हैं दी आपने उसको इस्तेमाल करके उसके फ्रूट हासिल करने में 1 साल का साइकिल चलता है तकरीबन। दूसरी चीज़ ये है कि मराहत में जो फाइनेंशियल सपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, वो माजी का रिकॉर्ड देखते हुए आप देखें, मैंने अब टेक्सटाइल पॉलिसी ऐलान किया था 2009-2014 स्ट्रेटजिक टेक्सटाइल ये पॉलिसी, उसमें टोटल 5 सालों में 30% वो इम्प्लीमेंट हो सकी थी, बाकी 70% इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ज़ाया हो गई। उसके बाद दूसरी टेक्सटाइल पॉलिसी आई जिसमें हदफ उन्होंने 50 बिलियन का रखा था, अब ये टोटल का 35 करें तो ये कंट्रडक्शन भाई देख ले करो। पहली पॉलिसी जो आई है उसमें आपने टोटल एक्सपोर्ट टारगेट 50 बिलियन रखा है, इसमें आपने टोटल एक्सपोर्ट टारगेट जो है 35 बिलियन रखा, तो ये कहाँ से अचीव होगा? टारगेट उस वक्त अच्छे और खूबसूरत लगते हैं जब आपको उनके एक तो रियलिस्टिक हो और उनको अचीव करने की स्ट्रेटजी जो है Tactics, वो आप दें, सही है ना? वो नहीं है। अब मैं ये कह दूं जी मैं
700 ट्रिलियन का मैं रेवेन्यू हासिल करूंगा. भाई क्या तरीके हैं, क्या मेजर्स हैं? तो एक तो ये बात हुई. दूसरी चीज़ ये है कि इस साल मेरी साग साहब से भी साग डार साहब भी मुलाकात हुई. अभी चंद दिन पहले हारून अख्तर साहब जो FBR के चीफ हैं, वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं ऑन रेवेन्यू, वो आए हुए थे. वी हैड डिनर टुगेदर, बातें हुई. क्योंकि I've been always positive. आपने मेरे कॉल बिल्कुल you are a very optimistic. आज अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ वो इसलिए, एक तो मैं नहीं चाहता कि मेरी क्रेडिबिलिटी जो है मेरे व्यूवर्स में डिस्टॉर्ट हो और हकायक सही तरह से पेश नहीं किए जाए. हकायक मान के ही आप उनकी सलाह कर सकते हैं. Unless you know what the problem is, you cannot solve it. Exactly. तो रोज ये बयानात देने से किसी को खुश करना मकसद नहीं होता. तो जो बजट तक है वो उसमें मुझे नहीं लगता कि फंड्स की फिस्कल स्पेस है कि वो आप दे सकें. 6 बिलियन रुपए दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे. आपको पता है 300 अरब रुपए आपके रिफंड्स ड्यू हो चुके हैं. राइट. ऐसे मुनीर साहब जो TDAP के CEO हैं, हर फोरम पे वो लड़ के नाराज हो के उसको उठा चुके हैं, लेकिन नहीं रिफंड. उस लेवल का आदमी नहीं कर सकता. हमने हारून अख्तर साहब से भी बात की थी. वो एक प्रपोजल आए कोई बॉन्ड का कि जी हम बॉन्ड इशू कर देते हैं 2-3 साल फिर उसको डिस्काउंट करा लें आप वगैरह. यानी उनके पास पैसे नहीं, क्योंकि ये फंड 300 बिलियन जो हैं वो आपका बजट डेफिसिट में जाके डेंट डाल देगा अगर ये निकल गया. आपके रेवेन्यू कलेक्शन को कम दिखा देगा. आपके IMF का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा. तो आपकी रिव्यू जो है वो मुश्किल हो जाएगा. तो वहाँ तो ये हालत है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा दे दो. हम लोग जाके कैबिनेट से या वजीर आजम से मिले, 5 घंटे मीटिंग रही हमारी एक्सपोर्टर्स की. उन्होंने कहा बिल्कुल मिलना चाहिए. हमने कहा लिक्विडिटी है, रोज क्रंच आ गया है कंपनियों में और एक्सपेंशन के बजाय श्रिंक हो रही है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में से ये पैसे गए हैं. लेकिन वहाँ तो वो देने के लिए नहीं है, तो मजीद कैसे फंड्स देंगे? लिहाजा हमें हकीकत पसंद होना चाहिए. इस साल कुछ नहीं होगा. पिछले भी ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड मैंने टेक्सटाइल पॉलिसी में इंट्रोड्यूस कराया था और इंडिया ने इसको कॉपी किया. ये होता है कि आप मशीनरी मंगाएं और उसके ऊपर साल में 1 million rupees पर कंपनी हुकूमत देगी. पर कंपनी 1 million पर कंपनी पर अनम. ओके. 10 लाख रुपए देगी. इज इट इनफ? ये एक इंसेंटिव है. उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में एक और है कि 50% ऑफ द मार्कअप जो मशीन मंगाने में आप देते हैं वो आपको रिइंबर्स करेगी एक साल में एक कंपनी को. तो ये दोनों मिल जाएं तो आपके कॉस्ट इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगी. हाउ विल दैट हैपन सर? इज इट गोइंग टू बी थ्रू द बैंक्स और विल इट कम थ्रू द गवर्नमेंट? इसका ये होता है कि जी आप ये बैंक को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फंड्स रिइंबर्स करती है टफ के अगेंस्ट टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड्स. ये मैंने इसको डिवाइस किया था और फिर इंडिया ने भी की जो पॉलिसी है उसमें ये टफ उन्होंने हमारा चुराया और उसको और लेकिन वहां इंप्लीमेंट हुआ. इंप्लीमेंटेड एग्जीक्यूटेड इंप्लीमेंट नहीं हुआ. तो कहने का मेरा मकसद यह था कि यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब फंड्स देती है बैंक को. क्योंकि अभी गवर्नर स्टेट बैंक आए थे, मैंने उनसे कहा, मैंने उन्हें फेडरेशन में बुलाया था चेयरमैन बैंकिंग फाइनेंस. ओके. और 20 बैंकों के प्रेसिडेंट थे, पूरा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था स्टेट बैंक का और डिप्टी गवर्नर. ओके. तो वहां पे भी ये रिफंड की बात हुई. उन्होंने कहा जी हम तो पोस्ट ऑफिस हैं, हमें हुकूमत फंड्स दे देगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हम आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर देंगे. विल दे हैव द फंड्स? हुकूमत नहीं दे रही ना फंड्स. नहीं. एंड डू गोइंग फॉरवर्ड डू यू थिंक विल दे हैव द फंड्स टू डू दिस? आई डोंट सी. अभी पॉलिसी बना दी है तो विल दे हैव इट और नॉट? दैट्स द क्वेश्चन. लुब लुब आप इस टॉपिक को बात ये कह के बंद करते हैं कि कोई भी पॉलिसी जुनेद साहब उस वक्त कामयाब होती है जब उसके फिस्कल बेनिफिट जो हैं वो वक्त पे आप रिलीज करें. वो मरात, वो अट्रैक्टिव पॉलिसी के फीचर्स जो एक सरमायाकार को अट्रैक्ट करते हैं वो आप, जैसे आपने लिखा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम देंगे आपको. अब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में लेदर, फार्मा और ये एक और सेक्टर है उनका जो उन्होंने इसमें करा है. हॉर्टिकल्चर को भी उन्होंने, हॉर्टिकल्चर का भी पहली दफा मैंने सुना नाम है. अब इसमें उन्होंने ये कहा कि जी हम आपको 5 million तक देंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए. पॉलिसी भी ये कहती है प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और रीजनल मार्केट पर फोकस करती है. ये सब बहुत खूबसूरत, बहुत आजमाए हुए सक्सेसफुल चैनल्स हैं. लेकिन इसके लिए जो फिस्कल बेनिफिट्स आपने दिए हैं वो वक्त पे जब मिले तभी उसका फायदा है. अदरवाइज दे आर ब्यूटीफुल क्लॉजेस
in a policy, but then when it comes to the implementation of the policies, वहाँ पे फिर मिलना तो है नहीं है. ये बात मैं हुकूमत से कहूँगा, कम दें मरात exactly. लेकिन वक्त पर रिलीज करें. और एक और पंच लाइन है, आप हर बजट में उस साल की मरात उस मिनिस्ट्री को या उस स्टेट बैंक को उसका फंड्स ऐलान कर दें. यानी इस साल जैसे आप कह रहे हैं 6 बिलियन है, फर्ज कर रहे हैं, तो इस साल के बजट में 6 बिलियन आप इस के मद में एलोकेट के थ्रू होंगे, वो एलोकेट कर देंगे. हमारे क्या होता है, साल के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लिखती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को या कॉमर्स मिनिस्ट्री को लिखती है, कॉमर्स मिनिस्ट्री लिखती है ना वो पूरा एक रेड टेप फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो कहते हैं जी फंड्स नहीं है, जवाब ही नहीं दे रहा वो, सही साल निकल जाता है. लिहाजा आप बजट में ऐलान करें 1 बिलियन दें, बट बजट में ऐलान हो उस साल के उस पीरियड के लिए. एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सही सर. बट इसमें एक और चीज ये है कि जो 3 रुपए पर यूनिट कम किए थे नवाज शरीफ साहब ने एक जनवरी में जाके, अभी तक सुना है टेक्सटाइल वाले उस पर भी रो रहे हैं, उनको दे डिडंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट, प्लस जो रिबेट का जो आपने बताई दिया, वो रिफंड तो मिला ही नहीं उनको अभी तक. हमने वजीर आजम साहब से एक दिन, हम कैबिनेट से मिले थे, 2 दिन के लिए गए थे, मुल्क के लीडिंग एक्सपोर्टर्स फेडरेशन, मैंने खुद प्रेजेंटेशन दी थी कैबिनेट को जो मेन मिनिस्टर्स हैं, और वजीर आजम साहब ने 8:30 से 1:30 बजे तक क्लोज डोर मीटिंग की थी. और एक एक बात उन्होंने सुनी लिखी. फवाद साहब थे जो उनके एडिशनल सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो एक दिन पहले सब हम का सुन के उन्होंने वजीर आजम को ब्रीफ किया फिर सुबह वजीर, यानी इट वॉज ए सीरियस वर्किंग. हमने उनसे कहा कि जी एक तो कॉस्ट हमारी एनर्जी के कम कर दें, बांग्लादेश के मुकाबले में दूसरे मुकाबले हम ज्यादा हैं. उन्होंने आके 3 रुपए इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कम कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं, exactly. और कराची में तो के इलेक्ट्रिक कहता है जी मुझ पे तो लागू ही नहीं है. exactly. अब ये नहीं हो सकता कि कराची वाले तीन रुपए के माने 20% कमी. Absolutely, sir. Huge amount, exactly. And it's a good saving for the... हाँ, तो वो हमारी कॉस्ट को नीचे लाते. अब के इलेक्ट्रिक अगर नहीं देता तो इंटर प्रोविंशियल कॉम्पिटिटिवनेस एरोड हो रही है. exactly. Absolutely. सूबों में मुकाबलती सख्त जो है वो डिस्टर्ब हो रही है. लिहाजा ये इसको जल्द से जल्द करें. दूसरी चीज़ हमने उनसे कही थी, वो भी उन्होंने माना, मैं वज़ीर आज़म को कम्प्लीमेंट करता हूँ. हमने कहा एक थंब रूल है, सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट, मशरक से ही सूरज निकलना, मगरिब से कभी निकल ही नहीं सकता. थंब रूल है, एक्सपोर्ट कभी भी मैं उसमें पे टैक्सेस नहीं होते दुनिया में, जीरो रेटिंग का जो. एग्जैक्टली. तो हमारे यहाँ 4 से 5 जून में कर देंगे, वो भी उन्होंने हमारी बात, वो कह रहे अभी कर देना, व्हाई वेट टिल जून, नहीं होगा मैं बतलाता हूँ. वो भी हमारी बात पे वजीर आजम साहब ने माना, और जीरो रेटिंग ऑफ 5 सेक्टर जो एक्सपोर्ट सेक्टर थे, जिसमें टेक्सटाइल भी है, लेदर भी है, कारपेट भी है, सर्जिकल गुड्स हैं और स्पोर्ट्स गुड्स हैं, ये 5 सेक्टर के कर दिए 1 जुलाई से. एक वजह तो यह है कि इस बजट में जो रेवेन्यू कलेक्शन है इन सेक्टर्स का, वो इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, लिहाजा अगर वो अभी से कर देंगे तो वो कम हो जाएगा. तो उस पे चले कोई बात नहीं, 5 जुलाई से कर दें, लेकिन ये करें. ये आपके एक्सपोर्ट क्यों आज टेक्सटाइल की दुनिया की बढ़ रही है, आपके कम हो गई है, वजह यही है कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़, इनपुट कॉस्ट उनकी बांग्लादेश एनर्जी, बांग्लादेश में वेजेस जो है हमसे आधी हैं, ये जो हमारे कम हुए 14% उनके 8% बढ़े इसी पीरियड में. तो जो गवर्नमेंट आके अक्सर ये कहती है ना कि बिकॉज वर्ल्ड वाइड मार्केट इज स्लो तो हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई है, तो बाकी लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कम हुई है दुनिया की, कमोडिटी प्राइसेस कम हुई है, वो एक अपनी जगह है, रिसेशन है, बट पीपल मंदी आई है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की एक्सपोर्ट ग्रोथ हुई है. हमारी टेक्सटाइल की टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 13 बिलियन है, बांग्लादेश की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 26 बिलियन है, हमसे डबल, दुगनी. एग्जैक्टली. तो एंड दे वर नोवेयर 10 इयर्स अगो, एंड दे आर इंपोर्टिंग फैब्रिक फ्रॉम अस, दे आर इंपोर्टिंग यार्न फ्रॉम अस, एंड इंडिया एंड अदर कंट्रीज, एंड इवन कॉटन दे आर इंपोर्टिंग. एग्जैक्टली. तो उनके यहां तो कुछ भी नहीं होता. मेरा कहने का मकसद यह है कि देयर इज समवेयर रॉन्ग. आई डोंट डाउट दी हुकूमत की नीयत को, मेहनत कर रहे हैं और वजीर आजम साहब बिलखसूस सुनते भी हैं, उन्होंने ये ऐलानात भी किए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वक्त पे नहीं. सुनने का फायदा सिर्फ नहीं है ना, जैसे आप यू राइट सेइंग, सिर्फ सुनने से फायदा कोई नहीं, अनलेस इट्स इम्प्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली नथिंग विल हैपन, नथिंग विल चेंज, बिकॉज $35 बिलियन कह देने से वो हो नहीं जाएगा जी. बिल्कुल. अनलेस यू फ्रेम द पॉलिसी अराउंड इट. टीडैप अभी ये टेक्सपो हो रही है 7 से 10 अप्रैल को अगेन. नाउ द रोल ऑफ टीडैप बेसिकली इज टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स, तो वो मुझे उनका भी इतना रोल नजर नहीं आता. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एक्सपेंडिंग सो मच मनी ऑन दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशंस एंड नथिंग हैपेंस आफ्टर दैट. देखिए ये बात मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ जी प्लीज. टीडैप का काम है टू फैसिलिटेट एक्सपोर्टर्स टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स.
उनके अभी प्राइवेट सेक्टर के सीईओ हैं एस एम मुनीर साहब, हमारे दोस्त हैं, उनको लाए हैं, ईमानदार आदमी है। टीडीएफ में इतनी करप्शन थी 12-13 बिलियन की, वो लोग अभी तक सीईओ अंदर हैं, बंद हैं, लेकिन इस बार कोई एक करप्शन का नहीं आया। रिसेंटली इस बार, ये रिसेंटली तो नहीं, साल, अच्छा, साल। मुझे राइट। और इसमें अब जो लोग बाहर से बुलाए जाते हैं हुकूमती खर्चे पे, जिसको आप कहते हैं लोकल हॉस्पिटैलिटी, होटल देते हैं और उनका टिकट दे देते हैं, वो बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, ये शर्त लगा दी है। पहले क्या होता था, रिश्तेदारों को, चाचा को बुला लेते थे पेड हॉलीडेज पे आकर, वो ख़त्म करा है उन्होंने। ये कर रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर दें इंटरनेशनल बिग बायर्स एंड बिग चेन से, वॉलमार्ट, JCPenney, Kmart, Sears, ये तमाम बड़ी। फिर एक्सपोर्टर्स का होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव रखें और क्वालिटी में अच्छा रख के वहाँ से ऑर्डर लें। इनका स्टेप क्या है कि आपने मैचिंग करा दी, बी टू बी मीटिंग, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन मीटिंग हो गई, आपने अपने प्रोडक्ट शोकेस कर दिए, वो एक एनवायरनमेंट पैदा कर दी जहाँ पे यू कैन शोकेस योर प्रोडक्ट। अब वो ऑर्डर तो एक्सपोर्टर ने लेने और एक्सपोर्टर ऑर्डर जब मिलेंगे, जब हुकूमत कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाएगी, तो ये सब चीजें एक के ऊपर। टीटैप का एक और रोल आई थिंक ये होता है, आई थिंक आई डोंट नो इफ इट कम्स इनटू टीटैप और समथिंग एज द ट्रेड ऑफिसर्स, जो हर जगह हर मुल्क में होते हैं हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हैं, आई थिंक दे हैव टू बी वेरी ट्रेन्ड पीपल एज वेल, व्हिच इज नॉट हैपनिंग। 43 ट्रेड ऑफिसर अपॉइंट हुए थे, वो फेडरेशन में आए थे, राइट, और पूरा हमारे साथ लॉन्ग मैराथन सेशन रहा है, और मैं हर मंडे को उन सबको 43 को जहां जहां वो गए अपने कॉलम जंग के भेजता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज पे होते हैं करंट बिल्कुल। एंड आई एम रैप, पहली बार मुझे खुशी हुई कि इस बार मेरिट पे वो लोग लिए हैं जो पहली बार नहीं, तो वहां पे भी पॉलिटिकल होता, एग्जैक्टली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते थे और ठग से आदमी बदल जाता था, न्यूयॉर्क जाना ही जाना है, और एक बड़े सर्विस का आदमी जो है वो ट्रेड ऑफिसर बन के चलते, हाउ कैन ही फंक्शन। एक कमिटीज वगैरह थी मुख्तलिफ हाई लेवल की, उन्होंने उनका इंतखाब किया और फिर वो गए टारगेट्स के साथ गए हैं। जैसे आमिर अगर न्यूयॉर्क में था तो वो मॉन्ट्रियल चला गया, बट आमिर को मैं जानता हूँ, जब मैं डेलीगेशन लेके जाता था जेपी सेंटर वगैरह में, उसने पागलों की तरह काम करके 100 ब्रांड्स को लेकर आया था, जो हमने एक बिजनेसमैन टू बिजनेस मीटिंग की थी हांगकांग का गुफरान वगैरह। आई मीन देयर आर पीपल हु आर यानी capable as well, but very capable. Exactly, okay. इसमें एक दो का मैं नहीं कह सकता अगर कुछ हो, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर क्वालिफाइड ऑन मेरिट and they have to produce results. सवाल ये कि आपने भेज दिया, चले अब वो अगर रिजल्ट नहीं ला रहा है तो उसमें कोई हमने निकानामा तो नहीं किया हो ना भाई, वापस बुला ले। वो उसके लिए उसके करियर में एक बहुत बड़ा नुकसान है। Do they learn the language before going to the country? Because I think the first prerequisite is they have to learn the language. अरबिक लैंग्वेज सीख के जाते हैं और ये होना चाहिए, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हमारा मोरक्को में बिजनेस है, मोरक्को में इतना बड़ा बिजनेस था डेनम का, हमें ऑर्डर खक नहीं मिला, बिकॉज़ द लैंग्वेज बैरियर, आई एम श्योर। फिर हमने अपने स्टाफ वगैरह को यूज किया, मैंने वहां की लैंग्वेज सीख ली है, आई स्पीक फ्लुएंटली अरबिक लैंग्वेज, मोरक्कन लैंग्वेज, तो वहां से दौड़-दौड़ ऑर्डर मिला। नाउ यू कैन गेट द ऑर्डर बिकॉज़ यू कैन स्पीक द लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस फील करते हैं, डायरेक्ट बात कर लेते हैं, सही ना? बॉस से बात करना क्या कहलाता है, कॉन्फिडेंस लेवल। एब्सोल्युटली, तो लैंग्वेज इज ऑलवेज ए। So you think they are doing the support. Right merit hiring now? देखिए अभी जो लोग गए हैं, मैं देखें सबसे आसान चीज होती है क्रिटिसाइज करना, लेकिन सही हकायक को भी सामने रखना इतना ही इम्पोर्टेंट। अभी इन्होंने बड़ा मेरिट करके कुछ लिखा है, मैं ये तो हल्फिया नहीं कह सकता कि 100% मेरिट पर, मेजोरिटी मेजोरिटी लुक्स ऑन मेरिट एंड दे हैव टू प्रोड्यूस रिजल्ट। लेकिन इस पे जुमले पे एक बात ऐड करूंगा, आपने भेज दिया दर्जी को कैंची नहीं दी, आप कैंची कपड़ा अच्छे से अच्छा सी के दें, इसमें झोल नहीं आना चाहिए भाई, उसके पास तो वो टूल्स ही नहीं है। इनके आप लिमिटेड, इनके ऑफिस में कुछ कमर्शियल ऑफिस में नंबर 2 भी नहीं होता। मैं समझता हूँ जब कमर्शियल ऑफिस दिया ना, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बड़ा खर्चा है। मोरक्को में कैसाब्लांका में कमर्शियल ऑफिस खुला है, एम्बेसी रबात की है, क्यों? रबात तो कैपिटल है, कुछ नहीं होता, हैपनिंग सिटी इज कैसाब्लांका। तो वहाँ पे गए थे, तारा साहब के बेटे थे जब पोस्टिंग हुई थी, तो उन्होंने मेहनत की, लेकिन लैंग्वेज का एक मसला था जो अब वहाँ दूर हो गया। दूसरा ये है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होता है, उनके
कमर्शियल ऑफिस में right. मैं समझता हूँ कमर्शियल ऑफिस में कुछ बजट नहीं है. मार्केट नॉलेज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोइंग दैट मार्केट, एंड आई थिंक यू हैव टू हायर समबडी फ्रॉम दैट मार्केट एज वेल टू वर्क विद द ट्रेड ऑफिसर. आई थिंक मेबी वो अब हायर के अगर आप ऐड करते जाएंगे तो कॉस्ट इतनी है, और मेबी द लेकिन वो कमर्शियल काउंसलर का काम है कि वो अपनी जॉब किस तरह करता है. शाम में हाथ पैर जोड़ के माफी करके वो लेता है मार्केट नॉलेज या पार्ट टाइम करता है, वो प्रपोज करे. वो मैं और आप यहाँ से नहीं बता, हमें तो रिजल्ट चाहिए उस स्टेशन से एक्सपोर्ट. अगर क्लियर केपीआईज दिए जाएंगे ना इनको सर्विस, आई वाज आस्किंग यू कि अगर क्लियर टारगेट्स केपीआईज जस्ट लाइक एनी मल्टीनेशनल वर्क्स देयर, आई थिंक दे विल हैव टू फंक्शन. टारगेट दिए गए, अब टारगेट अचीव ना करने पे आप क्या करते हैं ये अब आपका काम. एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. एंड टारगेट्स आर लाइक नंबर ड्रिवन टारगेट्स और एक्सपोर्ट टारगेट्स. एक्सपोर्ट टारगेट, एक्सीलेंट. आई थिंक आपकी अगर आपकी एक जगह की एक्सपोर्ट $500 मिलियन है, आपने एनुअल ग्रोथ का जी 600 मिलियन करना है नेक्स्ट ईयर, ये टारगेट है. अब आप पौने 600 हो गए, बट स्टिल इट इज बेटर. लेकिन अगर आपने 500 से भी नीचे लिया है, 500 पे ही अटके हुए हैं, इट मींस यू आर नॉट डूइंग योर जॉब. नो यूज, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. इस पे ट्रेड पॉलिसी में एक और चीज है कि दे हैव आइडेंटिफाइड 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, चाइना एंड ईरान एज द मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, व्हिच इज अगेन अगेन सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज चाइना इटसेल्फ इज नॉट इन अ गुड शेप राइट नाउ टू गेट, और जो चीजें उन्होंने आइडेंटिफाई की उसमें ज्वेलरी भी एक है, तो आई डोंट थिंक चाइना हैज द एपेटाइट राइट नाउ टू बाय ज्वेलरी एज सच. दो चीजें इंडिया की एक्सपोर्ट से हमें चुभती हैं, तकलीफ होती है, एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, एक ज्वेलरी एक्सपोर्ट. इंडिया की ज्वेलरी और इंडिया के सॉफ्टवेयर जो है इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बता दूं बिलियंस ऑफ डॉलर्स. तो हम ये चाहते हैं कि हमारा भी वही स्किल्स हैं. ज्वेलरी में हम मोरलेस इंडिया के बराबर हैं, एब्सोल्युटली, यस, एग्जैक्टली. और सॉफ्टवेयर में भी माशाल्लाह हमारे यहाँ जो नई जनरेशन आ रही है, देयर नन टू नंबर टू. तो इनकी एक्सपोर्ट पे फोकस करना होगा, ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है टू एनहेंस और टू जैक अप द एपेटाइट एज वेल राइट नाउ. अच्छा, अब ये कंट्रीज तो नहीं है एपेटाइट की, एग्जैक्टली, बट ये तीन आइडेंटिफाई किए इन्होंने, अफगानिस्तान एंड ईरान, अफगानिस्तान, लेकिन बट मे बी इंडोनेशिया, इन इमर्जिंग मार्केट्स है इंडोनेशिया एंड यू नो द न्यू कंट्रीज, दे आर नॉट एक्सपोर्टिंग दोस. दुबई तो पूरी दुनिया में बिल्कुल एक्सपोर्ट्स होती है ज्वेलरी की, लेकिन इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि उसको मिसयूज़ किया गया हमारे ज्वेलर्स ने. जो हम ड्यूटी फ्री गोल्ड मंगाते थे उससे ज्वेलरी आपको भेजनी पड़ती थी. ज्वेलरी हुई एक्सपोर्ट, लेकिन वो ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी को. सो वी टेक अ ब्रेक हियर, नाज़िर, वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक आफ्टर द ब्रेक. प्लीज डोंट गो एनीवेयर. थैंक यू. नाजी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे द कंट्रीज विच आर आइडेंटिफाइड इन दिस ट्रेड पॉलिसी. सर, अफगानिस्तान, इंडिया एंड सॉरी अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना. देखिए, इस ट्रेड पॉलिसी में दो चीज़ें उन्होंने फोकस रखी हैं. एक तो उन्होंने लिखा है कि एफिशिएंट एंड इनोवेटिव इकोनॉमी बेस्ड होगा और रीजनल ट्रेड पर ज़्यादा जोर दिया. रीजन में हमारे ये कंट्रीज जो आपने नाम लिए आते हैं, और ये सी पैक में भी रीजनल कनेक्टिविटी है. सी पैक इज़ नथिंग बट रीजनल कनेक्टिविटी, के खत्ते के ममालिक को कनेक्ट किया जाए हॉट वाटर पोर्ट से, उनकी ट्रेड को आधे से कम वक्त में, 1/3 से कम कॉस्ट में यूरोप एंड ऑनवर्ड लेके जाए. जो भी टाइम लगता है उसको, एग्जैक्टली. तो ये है इसमें. लेकिन आपने ये देखना है कि अगर हम चाइना के साथ हमने FTA किया हुआ है और बहुत तेज़ी से हमारी ट्रेड बढ़ी है, लेकिन उसमें मेजॉरिटी फेवर चाइना को मिला. अब हम उसके सेकंड फेज की तरफ जा रहे हैं FTA के शुरू करने के लिए. उसमें हमने अपने रिजर्वेशन दिए हैं कि उन आइटम्स को आप इंक्लूड करें जो पाकिस्तान चाइना एक्सपोर्ट कर सकता है, सही है ना, ताकि हम हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े और ट्रेड सरप्लस इतना ना हो कि वो पूरा का पूरा चाइना के फेवर. अब जी फरमाइए. मैं कहता हूँ सर कि जो ईरान राइस इज द मेजर थिंग व्हिच यू कैन एक्सपोर्ट, मैं आ रहा था, सॉरी, बट वो इंडिया ने सारी मार्केट, मैं बता देता हूँ क्यों कर लिया. पाकिस्तान से भी राइस जाता था, बांसपति राइस, और इंडिया से भी जाता था. जब ईरान पे सैंक्शंस लगी तो इंडिया ने बाटा ट्रेड का एग्रीमेंट कर लिया विद फ्यूल ईरान के साथ, राइट, एग्जैक्टली, कि हम आपको कुछ चीजें देंगे और उससे फ्यूल देंगे. ये स्मार्ट हमने नहीं किया. इंडिया क्या करता था, फ्यूल लेता था और चावल भेज रहा है, दूसरी चीजें भेज रहा है, पूरी मार्केट उन्होंने हमारी जीरो राइस की हो गई. अब ये खुला है, तो अभी रीप के रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ थे,
हमने उनसे बात की, अभी रहीम जानू वगैरह ने ये ट्रेड ऑफिसर्स जो आए थे उनसे भी बात की। अब हम चाइना के लोग हमारे गए हुए हैं और बैंकिंग चैनल नॉर्मल हो गए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुझे बतलाया, उनका सेंट्रल बैंक का गवर्नर भी आया हुआ था अभी प्रेसिडेंट रूहानी के साथ, तो अब बैंकिंग चैनल शुरू कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान अपना राइस मार्केट पूरी तो नहीं ले सकेगा, लेकिन बहरहाल हम दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। Knowing India, लेकिन ये बातें कहने का मकसद ये है कि देखें उस बनिया ने कैसे स्मार्ट किया कि बार्टर ट्रेड के बदले के भाई हमें चले पैसे नहीं पैसे चाहिए का मसला है, आप बार्टर हमें तेल दे दें, हम उसके बदले में अशिया दे देंगे। It's very smart. It's very, very हमने smart. नहीं किया, नहीं किया, we lost all rice market. Exactly. And plus lot of good faith with them as well, because India supported them in some way at that time because they were getting India kitna close ho gaya exactly, Iran ke saath, absolutely. Aur ye jo kal waqia hua, jo spy jo pakda gaya, sara connection wahi se ban raha hai exactly. Aur unke president ko batlaya gaya hai, to Iran ka jhukav India ki taraf tilt hai, zara bade waze nazar aata hai, nazar aata hai exactly. Aur jabki Muslim country hai, jabki hamara neighbor hai, exactly. So I think ye sab cheeze हमारे लिए फूड ऑफ थॉट है। एग्जैक्टली, बट आई थिंक विद मोदी देयर वी हैव सम यू नो गुड न्यूज़ दैट ही इज देयर टू डिस्ट्रॉय इंडिया, तो आई थिंक वी कैन ब्रीथ इजीली। बट हम उनके पे ज्यादा रिलाय ना करें, हमारा दिस इज अ लाइटर नोट एग्जैक्टली, विजडम है या एब्सोल्युटली, और हमारी भी एक विजन है एग्जैक्टली। अफगानिस्तान यू नो दैट अदर कंट्री नाउ विद व्हाटएवर इज हैपनिंग बिटवीन अफगानिस्तान एंड अस इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड एवरीथिंग, आई डोंट थिंक देयर कुड बी एनी ट्रेड हैपनिंग विद देम इन द नियर फ्यूचर, तो इस पॉलिसी में उनको भी आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो आई थिंक दिस अगेन सीज लाइक अ वेरी ट्रेड, तो वो तो एक जबरदस्ती भी मिलेगी, विलिंगली मिलेगी, अनविलिंगली मिलेगी, वो ट्रेड तो मिलनी है हमें 1 बिलियन प्लस, वो एक अच्छा अमाउंट हो गया है क्योंकि ईरान में पोर्ट नहीं है और वो हमारे थ्रू जाती है और हमारे ही थ्रू वो इम्पोर्ट करना उनको सस्ता पड़ता है और फास्ट पड़ता है, और वो एक काफी मैकेनिज्म है अफगान ट्रेड के जो वो तो बाय डिफॉल्ट है ना सर, बट आइडेंटिफाइंग इट एज अ कंट्री ऑफ प्रायोरिटी मुझे एज अ अजीब सा लगा। नेशनल ऑब्लिगेशन भी यही है हमारा कि लैंड रूट जो कंट्रीज हैं जिनके पास पोर्ट्स नहीं है वो हमारा जिम्मेदारी है कि हम उनको लैंड रूट दें। राइट सर, कमिंग टू सीपैक, नाउ सीपैक game changer, things will you know we'll be the best country economically going forward and everything, but again you have to be very careful. I mean I think end of 2015 governor state bank ne bhi ye kaha tha ki we have to be very clear on the loans and the aid that we are getting in terms of the $46 billion and we have to be very transparent in that. Ab Hafiz Pasha sahab ne ek aur cheez abhi batayi hai ki if we add up the loans that we'll be getting on as a CPAC thing, the amount of external debt will increase a lot and it has to be catered for right now to uski proper debt management ke liye. So what do you think on that? Bahut acha sawal aapne kiya, I must compliment you Junaid. Abhi maine governor state bank ko 20 banko ke president tamam executive directors and deputy governors ko federation mein bulaya tha as a chairman banking, aur humne yahi sawal kiya ki CPAC mein jo CPAC ka total 46 billion ka portfolio hai, usme 34 billion ke पावर प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी 11-12 बिलियन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो लोन की शक्ल में, ओके ICBC बैंक दे रहे हैं, दूसरे बैंक दे रहे हैं, तो उसकी हम बात नहीं करते। इसके भी अगर आप बात 34 का करें, ये प्राइवेट सेक्टर का है, ये प्राइवेट सेक्टर LCM खोलेगा प्लांट को मंगाने के लिए डेट पोर्शन की, डेट पोर्शन 30% इक्विटी और 70% डेट भी लगा लें तो 34 का 70% कितना बनता है, 20-25 बिलियन। उसको बैंक के पास के इतने फंड्स हैं फॉरेन एक्सचेंज की वजह से खोल सके, अभी तक 2 LCs खोली हैं, तीसरी LC रुक गई क्योंकि एक LC $100 million की होती। तो गवर्नर ने बड़ा इज अ वंडरफुल पर्सन, बीन वेरी कैंडिड एंड ऑनेस्ट इन टर्म्स विद हिज व्यूज, उन्होंने ये कहा कि जी फॉरेन करेंसी लोन डायरेक्ट भी प्राइवेट सेक्टर को लेने होंगे, हम अपने एक्सचेकर पे फॉरेन रिजर्व पर इतने ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो हमारे तो रिजर्व स्लाइड करेंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, मैंने कॉलम भी लिखा है पीर को छपेगा, उसमें मैंने ये बतलाया है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक $4 बिलियन की इस साल पेमेंट करनी है पाकिस्तान हुकूमत ने, $4 बिलियन ठीक है सही है। तो उसके अलावा जो इस 4 बिलियन में क्या क्या शामिल है, 31 मार्च को $500 मिलियन के बॉन्ड जो मुशर्रफ में 10 साल हुए थे exactly. वो ड्यू हो गए, एक 750 मिलियन के ड्यू हो रहे हैं नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, पेरिस क्लब की रिस्ट्रक्चर भी थी वो भी है exactly. तो ये सब चीजें इत्तेफाक से आ रही हैं exactly. IMF सब कुछ नहीं मिलना, लास्ट ट्रांच $500 मिलियन की थी वो मिल गई है exactly. और वो प्रोग्राम का जो 10th रिव्यू तो खत्म हो गया सही है ना। तो अब आपने अपने रिजर्व बिल्डअप करने, रिजर्व किससे बिल्डअप होते हैं, 4 चीजें हैं, कोई 5वीं चीज नहीं है।
पहली एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है बढ़ने के बजाय, दूसरा एफडीआई, वो भी एफडीआई भी आपका इस बार कम हो, 1 बिलियन तक नहीं पहुंच सका है। तीसरी रिमिटेंसेस, ये चीज ऐसी है कि 18 बिलियन डॉलर तक आप पहुंच गए हैं और ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अब जो मिडिल ईस्ट में तेल का क्राइसिस है, लोगों की जॉबें जा रही है, गॉड फॉरबिड इट कैन गेट अफेक्टेड, स्लाइस डाउन हुआ है सैलरीज वेजेस सब्सिडीज कम हो गई है, सही है? Exactly, बिल्कुल। लिहाजा अब रिमिटेंसेस मैं सोच रहा हूँ, और अल्लाह करे ये गलत कि 18 बिलियन से शायद बढ़ ना पाए या कम हो जाए। और आखिरी चीज होती है डोनर्स एजेंसीज का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लोन जो IMF देता है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये चारों चीजों में जो सबसे रिलायबल होता है वो एक्सपोर्ट्स होती है, वो अपनी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डेफिनेटली वो हमारी, हमें उस पर अब जोर देना है। एफडीआई अल्लाह ने चाह, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी, सी पैक के तहत फंड्स आएंगे, बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल आपको एफडीआई की मद में ज्यादा पैसे नहीं आए, 1 बिलियन डॉलर भी साल नहीं हुआ। एब्सोल्युटली तो तीसरी चीज जो है रिमिटेंसेस भी मैंने आपको बतलाया कि मुझे जरा सा डाउट हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया, तो ये है हमारा सिनेरियो। इसमें हमारे पास डेट बर्डन बढ़ा है, इसमें डेट रिपेमेंट्स है, इसमें रिजर्व्स पे प्रेशर मुझे नजर आ रहा है, और जब रिजर्व्स पे प्रेशर होता है तो करेंसी आपकी जो होती है वो डेप्रिशिएट होती है, उस पर प्रेशर आता है। तो लेकिन अगर अच्छा डेट मैनेजमेंट करते हैं, अभी मैंने सुना है ये जो डॉलर बॉन्ड पे कर रहे हैं इसके बदले में एक नए 500 मिलियन के बॉन्ड लेने जा रहे हैं, पहले 31 से पहले जाना था, अब शायद जून को जा रहे हैं 7.25 के ऊपर, विच इज बेटर, लेकिन 8.25 के मुकाबले बेहतर है ना। लेकिन आपने अपनी रेटिंग देखनी होती है, मूडीज की, स्टैंडर्ड पुअर्स की, अपने रिजर्व देखने होते हैं, इसके ऊपर ये बनता है टैरिफ। एक आम आदमी के लिए तो यकीनन ज्यादा है, लेकिन आप जब कशकोल लेके जा रहे हैं तो आपकी अपनी सलाहियत है, बैगर नॉट चूजर्स वाली बात। तो ये सब चीजें हैं जो रियलिस्टिक हैं, ग्राउंड रिलेटिव्स हैं, बिटर हैं, चुभने वाली हैं, पर हकीकतें हैं। लेकिन इन हैविंग सेड सो, मैं अब भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि तीन चीजें बड़ी अच्छी हुई इस मुल्क में। ओके, पहली चीज हुई है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिग्निफिकेंट, डेफिनेटली नो डाउट अबाउट दैट, एग्जैक्टली। ऑपरेशन ज़रबे आज़म, कराची ऑपरेशन, कराची द हब, द इंडस्ट्रियल कमर्शियल हब, एब्सोल्युटली द बैरोमीटर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, बिल्कुल That has restored confidence of the investors. Right. Second चीज जो हमारे अच्छी हुई है वो हुकूमत की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। Sir, really? Please, मैं बताता हूँ कहाँ किन मदों में और किन में नहीं हुआ। I would love to know. हाँ, पहली चीज तो ये है कि आपको बजट डेफिसिट उन्होंने 8.4 से कम करके 5% की बात करें, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसको खींच के लाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। इन्फ्लेशन लोएस्ट, डिस्काउंट रेट पॉलिसी रेट 6% लोएस्ट, रेमिटेंसेस हाईएस्ट 18%, ये इन्होंने कुछ की, और रेटिंग वगैरह मूडीज की, स्टैंडर्ड पुअर्स की इनकी इम्प्रूव हुई है। जहाँ इन्होंने मार खाई है उनकी बोरिंग बढ़ी है कमर्शियल बैंक से, क्योंकि अब IMF को दिखाने के लिए उन्होंने कमर्शियल बैंकों से लिए, उससे प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट पे फर्क पड़ा है। एक्सपोर्ट में इन्होंने बड़ा मुंह खाई है, Absolutely, that's the major hit that हमारी मेन थी, वो नहीं पढ़ पा रही, और वो दुनिया का फिनोमेना भी है, मंदी एक साथ बता रही है। लेट्स सी अब हम क्या कर सकते हैं, जीएसपी प्लस मिलने के बाद तो मेरे पास दो साल से वो हमारे पास है, वेरी हार्ड फॉर जीएसपी प्लस गोइंग डाउन। ये हमने अपने दौर में रिवाइज क्राइटेरिया कराया था जीएसपी प्लस का जब गिलानी साहब गए थे, उसमें हमें कोई रीजन नहीं है कि हम अपने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, दो साल से गिरी रही है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी। जीएसपी प्लस के मत में पहले साल 2014 में 6-8 महीने बढ़े थे, उसके बाद से नीचे आ गए। फर्स्ट जनवरी 2014 से ये शुरू हुआ 10 साल के लिए, तो 2014 के एंड तक इन्होंने 1 बिलियन बढ़ाया था राइट, ओके। हमारी एक्सपेक्टेशन तो 2 से 3 बिलियन की, राइट। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत को ये जो एक परसेप्शन है कि यह है कि गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कुछ बेहतर हुए हैं, तो दूसरी चीज ये थी। और तीसरी चीज़ जो सबसे अच्छी हुई है वो ये हुई है, सी पैक ने जो 46 बिलियन का चाइना इन्वेस्टमेंट के माहदे किए हैं, दैट हैज सेंड अ वेरी पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड कि पाकिस्तान इज गोइंग टू इमर्ज एज ए इम्पॉर्टेंट रीजनल प्लेयर, और लोग इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने एनिमीज को कंटेन करना है,
and exactly. to move forward. Sir, यही पाकिस्तान का बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस. आई मीन थोड़ा सा मुझे बताएं सर कि ये जो ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हमारे अच्छे हो रहे हैं इससे डू यू थिंक द इकोनॉमी इज रियली लुकिंग गुड बिकॉज ऑफ दीज इंडिकेटर्स एज वेल. बिकॉज देखिए बजट जो डेफिसिट कम हुआ नो डाउट 8.5% पे आ गया बट एट व्हाट कॉस्ट. देखिए जीडीपी ग्रोथ देखी जाती है. एग्जैक्टली जीडीपी मैंने भी गवर्नर साहब से कहा कि देखें मॉनेटरी पॉलिसी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं. एक टू कंटेन द इन्फ्लेशन अफराते ज़र को काबू में रखना. वो तो सर अल्लाह ने खुद ही ऑयल प्राइस कम कर दी कम हो गई हमारी. एग्जैक्टली दूसरा मैंने कहा था टू टिगर इकोनॉमिक ग्रोथ. एग्जैक्टली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ टिगर. दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज. अब हम गए हैं उन्होंने कहा ऐलान किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने भी वजीर खजाना ने भी 5% का इस साल ऐलान है 5% कह रहा है. IMF is saying 4.5% and जो experts हैं economy के वो तो कह रहे हैं should be somewhere around 4-4 exactly. है वो 5 कह रहे हैं. अब ये 1% का खेल है हमारे सामने. सिर्फ energy की वजह से हम सालाना 2% GDP loss कर रहे हैं. यानी अगर हमारी energy सही हो जाए जो अब हो चुकी है. अब अगर LNG की जो import है उसने हमारी industries के पहिए 100% चला दिए पंजाब में भी और सिंध में भी. अभी ऐसे मुनीर साहब कह रहे थे 7 दिन हमारे मिल चल रहे हैं ये कभी सुना ही नहीं था हमने. तो और एलएनजी की जो कीमत है आरएलएनजी की वो नेचुरल गैस से कम पड़ रहा है यूनिट. ओके ये यूनिट पड़ रहा है शायद 7 रुपए का टू द एंड कस्टमर जो डिलीवर इंडस्ट्रियलिस्ट को. इंडस्ट्री अच्छा ओके. और ये अपना नेचुरल गैस से पड़ रहा है 8-9 रुपए का. दैट्स एक्सेलेंट ओके. अब वो बिकॉज इसका दारोमदार है ऑयल से. राइट ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा. तो कहने का मसला है कि अगर सिचुएशन ऐसी इंप्रूव होती रही पहिए चलते रहे नए कनेक्शन पे जो बैंड है वो हट जाए. आप कहते हैं जी ग्रोथ नहीं है ग्रोथ. वो मेरे भाई आपने बैंड लगाया वो नए कनेक्शन पे. नई सनत आज मैं लगाना चाहता हूँ सब परचम की मोहब्बत में तो मुझे सुई गैस का कनेक्शन नहीं मिल रहा और ना बिजली मिलनी है तो मैं कैसे चलाऊंगा पहिए को. लिहाजा मैंने सुना है कि समरी मूव हुई है नए कनेक्शंस पे बैंड को हटाने की तो नई सनतें लगेंगी. आरएनजी से बड़ा फर्क पड़ा है. अफोर्डेबल पावर टैरिफ आया है. एनर्जी मिक्स भी हमारा औसत हुआ बेहतर हुआ है. आई एम ऑप्टिमिस्टिक आने वाले वक्त में सी पैक की वजह से ऑपरेशन जरब अब्स और कराची ऑपरेशन की वजह से अब तो पंजाब में भी शुरू हो गया. आई होप इट गोस सी ये कंप्लीट. मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ जी 85% हो गया है 80% हो गया है. लोग कहते हैं जी वो बाकी क्या है तो मैं यही कहता था कि अभी पंजाब का बाकी मेजर मेजर पार्ट वो हमारा पंजाब का भी शुरू हुआ. बट आई थिंक दे शुड नॉट हैव वेटेड फॉर दैट इंसिडेंट टू हैपन. आई स्टिल बिलीव दैट बट दैट वाज वेरी अनफॉर्चूनेट इंसिडेंट. अपनी होती जो हुकूमत होती है उसका प्रोग्रेसिव होता है कहाँ हाथ डालें कहाँ ना डालें. लेकिन अमन अमन की सूरत हाल में मैं सलाम पेश करता हूं जनरल राहिल को. डेफिनेटली सर हमारी सलूट टू दैट पर्सन एंड टू द आर्मी एज वेल. डेफिनेटली नथिंग डूइंग उन्होंने जी इजलास किया और पंजाब में ऑपरेशन शुरू कर दिया वेटिंग फॉर एनीथिंग. किसी का नहीं जी ऑपरेशन ज़र्बे अब्स की कामयाबी सब ने उसको अहम करार दिया है. तमाम सियासी जमातों ने ऑपरेशन ज़र्बे अब्स का को सपोर्ट किया है और उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये सिंध में फाटा वजीरिस्तान में है आप इसको पंजाब में ना करें. उन्होंने क्रॉस दी कंट्री करने को कहा है. तो अब ये टाइम आ गया है. वो लोगों के काले चेहरे सामने आ चुके हैं एंड आई होप सम मोर कम आउट सो दैट इट शुड बी अ कंट्रोल्ड ऑपरेशन एंड सबको खत्म कर दिया जाए प्रॉपर. आई हैव टोटल फेथ ट्रस्ट एंड आई एम बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन आवर अफवाज पाकिस्तान. डेफिनेटली वो तो उसके नो डाउट अबाउट दैट. और वो एक वो है कि जो सुरंग की दूसरी तरफ मुझे लाइट नजर आ रही है. लाइट नजर आ रही है और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर रात के बाद एक सुबह होती है. बिल्कुल एग्जैक्टली. और हर अंधेरे के बाद उजाला होता है और इंशाल्लाह मुझे वो उजाला नजर आ रहा है जो हमारी कौम का हक भी है. बिल्कुल डेफिनेटली डिजर्व दैट मनसब भी है. बिल्कुल एग्जैक्टली. नाज़रीन दिस वाज अ प्रोग्राम फॉर ट्रेड पॉलिसी टुडे एंड वी डिस्कस्ड दैट इन डिटेल द ट्रेड पॉलिसी एंड हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट गोइंग फॉरवर्ड. बेसिकली इस पर चार चीज़ें जो चार बेग साहब ने भी कही कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स
प्लस अपना जो हमारा एनर्जी का मिक्स है वो बेहतर होता जा रहा है, वो भी अच्छा हो जाएगा, प्लस हमारी FDI जो कि डे बाय डे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ गिर रही है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। बट एक चीज़ जो मैं आखिर में ज़रूर हाईलाइट करूँगा वो ये कि जो हमारा डेट बर्डन है एंड द रेकलेस बोरोइंग दैट इज गवर्नमेंट इज डूइंग, आई थिंक दैट हैज़ टू बी कंट्रोल्ड एज वेल विद इमीडिएट इफेक्ट, बिकॉज जब तक वो कंट्रोल नहीं होगी हमारा जो डेट ट्रैप है उसमें हम फंसते चले जाएंगे एंड इन द एंड विल बी यू नो नोवेयर। बट आई थिंक एज यू सेड देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, things look good, it might you know change for the better for us. Thank you very much for watching the program, inshallah kal aapse dobara mulaqat hogi with a new topic and a new expert. Thank you very much, assalamu alaikum.